बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साबद और आप देख रहे हैं कैरिशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपकी जो है इंटर की जो डेट शीट है वो आ चुकी है, सेकंड ईयर की भी डेट शीट आ चुकी है, फर्स्ट ईयर की भी डेट शीट आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है डेट शीट जो है वो शेयर करूँगा, उसके अंदर मैं बताऊँगा कि किस किस डेट को कौन कौन सा पेपर है। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 19/4/2024 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 19 अप्रैल 2024 से सेकंड ईयर के, क्योंकि पंजाब के अंदर पहले सेकंड ईयर के पेपर होते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं। तो पहला पेपर जो है होम इकोनॉमिक्स का पेपर है। इसके अलावा जो है जो दूसरा पेपर है 20 अप्रैल 2024 को जो दूसरा पेपर है वो है केमिस्ट्री का पेपर। इसके अलावा जो है जो एफए ग्रुप के बच्चे हैं उनका है फिज़िकल एजुकेशन का पेपर, ठीक है। इसी तरह जो है 22 अप्रैल 2024 को मंडे वाले दिन जो है इंग्लिश का पेपर है आपका। तो इसी तरह जो है आगे हम चलते हैं देखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 24/4/2024 को आपका जो है फिज़िक्स का पेपर है साइंस ग्रुप वाले बच्चों का, इसी तरह जो है एजुकेशन का पेपर है। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें 25/4/2024 को जो आपका पेपर होगा वो पंजाबी का होगा, अरबिक का होगा, इसी तरह जो है उर्दू एडवांस का होगा, स्टैट का भी उसी दिन होगा। इसके अलावा जो है 26 अप्रैल 2024 को जो है तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है आपका लिया जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ जो सेकेंड ईयर के पेपर होंगे पंजाब के अंदर उनकी, ठीक है। उसके अलावा जो है 29/4/2024 को जो आपका पेपर होगा वो होगा जी कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। 29/4/2024 को कंप्यूटर साइंस का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है 30/4/2024 को जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर जो है आपका लिया जाएगा। इसके अलावा जो है आगे हम बात करते हैं 2/5/2024 को, 2 मई 2024 को जो है आपका पेपर होगा बायो का पेपर होगा, इसी तरह मैथ का पेपर भी उस दिन आपका होगा। ये मैं आपकी बात जो है वो क्लियर कर दूं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जी, उसके बाद जो है 3/5/2024 को जो है पाकिस्तान स्टडी का पेपर लिया जाएगा आपका, मतलब पाकिस्तान का, ठीक है, सेकंड ईयर का। उसके बाद जो है जी, उसके बाद 4/5/4 मई 2024 को जो है 4/5/2024 को जो है बैंकिंग का पेपर होगा, सिविक्स का पेपर होगा, कंप्यूटर स्टडी का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है जी आगे हम चलते हैं 6/5/2024 को, 6 मई 2024 को आपका सेकंड ईयर का उर्दू का पेपर होगा। उसके बाद सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद जो है 11वीं क्लास के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। अगर हम बात करें 11वीं क्लास की डेट शीट के हवाले से तो 7/5/2024 को, 7 मई 2024 को पहला पेपर होगा 11वीं क्लास का फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जो 2024 के एग्ज़ाम होंगे पंजाब के अंदर, ठीक है। सिविक्स का पेपर पहला होगा, उसके साथ साथ बिजनेस मैथ का भी पेपर लिया जाएगा। उसके बाद जो है 8/5/2024 को जो है इंग्लिश का पेपर आपका लिया जाएगा, ठीक है। ये बच्चों बात सुन लें अच्छे तरीके से, टाइम बहुत कम रह गया आपका। ये मैं फर्स्ट ईयर की डेट शीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 12वीं क्लास की मैंने कर दी है आपके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है जी 9/5/2024 को आपका इस्लामियत का पेपर जो है वो लिया जाएगा, ठीक है, इस्लामियत का। उसके बाद जो है जो लाजमी इस्लामियत लाजमी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है 10/5/2024 को इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा, 11/5/2024 को उर्दू लाजमी का पेपर 11वीं क्लास का लिया जाएगा। इसके अलावा जो है आगे हम चलते हैं जी 13/5/2024 को जो है केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा, फिज़िकल एजुकेशन का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा जो है आगे हम चलते हैं जी 14/5/2024 को जो है पंजाबी का पेपर लिया जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका पेपर जो होगा जी वो अरबी का लिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का पेपर भी लिया जाएगा। 15/5/2024 को आपका पेपर फिज़िक्स का लिया जाएगा, एजुकेशन का लिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर जो है आपका लिया जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चलते हैं जी, डेट शीट मेरे सामने मौजूद है, ठीक है जी। तो मैं एक एक करके जो है सारे सब्जेक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी बात जो है वो क्लियर हो सके। उसके बाद जो है 17/5/2024 को तर्जुमतुल कुरान का पेपर होगा, 17/5/2024 को तर्जुमतुल कुरान का पेपर लिया जाएगा। 18/5/2024 को हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का पेपर लिया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर लिया जाएगा। उसके बाद जो है 20/5/2024 को आपका बायो का पेपर लिया जाएगा, मैथ का पेपर लिया जाएगा। 21/5/2024 को जो है इस्लामियत स्टडी का पेपर जो है वो लिया जाएगा, होम इकोनॉमिक्स का पेपर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर लिया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 21/5/2024 को जो पेपर लिया जाएगा ना आपका, जिन्होंने अख्तियारी इस्लामियत इख्तियारी का पेपर होगा उस दिन, 21/5/2024 को इस्लामियत इख्तियारी का पेपर होगा।
और इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर लिया जाएगा, और 22/5/2024 को जो है कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपके प्रैक्टिकल जो है वो 27/5/2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया, पहले आपका थ्योरी का पेपर होगा सेकंड ईयर के, जैसे ही ख़त्म होंगे फिर फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, उसके बाद जो है आपके जो है प्रैक्टिकल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रोल नंबर स्लिप के हवाले से भी, और इंशाल्लाह मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूँगा।